फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने देखा है कि डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलती है, जो शक्तियों का विभाजन है। यूनिलिस्ट यानी कि केंद्र के पास कुछ अधिकार होते हैं, कुछ होते हैं राज्य सरकारों के पास अधिकार, और एक लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसके जो भी विषय होते हैं इनके ऊपर दोनों सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। उसके बाद ड्यूल पॉलिटी यानी कि दोहरी सरकार हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। प्रेजेंट टाइम में हमारे 28 स्टेट्स हैं और 9 हमें यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का संविधान है वो हमें लिखित रूप में देखने को मिलता है, जिसमें हमें टोटल 395 आर्टिकल, 10 शेड्यूल और 22 हमें पार्ट्स देखने को मिलते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बट अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो हमें इसमें 470 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, 22 पार्ट्स जो थे वो आज हो चुके हैं 25, एंड इसके जो शेड्यूल हैं वो आज हो चुके हैं 12। फिर हमने बात की है आगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि अभी अगर संविधान में कोई संवैधानिक बदलाव होना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है, तो वो इतनी आसानी से नहीं होती। इसमें आप देखते हो कि तीन तरह से संवैधानिक संशोधन आप देखते हो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। तो अगर संविधान में बदलाव होना है तो उसमें क्या होगा कि रिजिड रास्ता जो होता है वो अपनाया जाता है, जिसमें आप देखते हो कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस दिन लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि उस दिन कम से कम वन एंड हाफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और जो प्रेजेंट है उनमें से 2/3 जो मेंबर होंगे फेवर में वोट करेंगे, तभी वो बिल पास होता है। और साथ ही साथ ये भी हमें देखने को मिलता है कि कम से कम 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ से बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, मगर और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ही संविधान आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेती है, सरकार उसके कामकाज में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करती। आर्टिकल 50 जो है हमारे देश के संविधान का, वो इसके बारे में बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। पॉइंट नंबर 7, सुप्रीम जुडिशरी, जो हमारे देश की जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ सुप्रीम भी होती है। सुप्रीम का मतलब कि जो डिसीजन उसके होते हैं उसमें तो वो देखो फाइनल अथॉरिटी होती ही होती है। साथ ही साथ जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, अगर उसमें उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपनी जो शक्तियां उनको प्रदान की गई हैं उससे बाहर जाके कानून बनाया है, तो वो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू में हम देखते हैं कि पावर ऑफ जुडिशरी टू टेक इट्स डिसीजन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए होते हैं, कानून बनाए गए होते हैं, उनको द्वारा ये रिव्यू कर सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि भारत या किसी राज्य सरकार ने जो उनको ताकतें दी गई हैं उससे बाहर जाके कानून बनाया है, तब वो कानून नल एंड वॉइड यानी कि इनवैलिड भी डिक्लेयर हो सकता है। इसकी बात आर्टिकल 14 में की गई है। फिर 8 पॉइंट है बाईकैमरल पार्लियामेंट, यानी कि दो सदन हमें देखने को मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।